वन म्हणजेच अवनीला ज्यांनी गोळी मारली ते शिकारी असगर अली खान आता आपल्या सोबत आहेत. आपण थेट त्यांच्याशी बोलूया. असगर अली जी बताइए, 2 नवंबर के दिन क्या क्या हुआ? 2 नवंबर के दिन वो टाइग्रेस जो है उसकी फोटो आई थी कैमरा ट्रैप इमेज में और हमारे फॉरेस्ट की टीम्स और वेटनरी टीम्स वो जगह पे सब गए और जाके वो पूरा एरिया सर्वे करे. वो जो एरिया में वो थी उसके अतराफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे तो हम लोगों को ये टेक केयर करना था कि वो खेती में ना आ जाए जहाँ पे लोग काम कर रहे थे. तो वो पूरा एरिया हम लोग पेट्रोलिंग करें 2 नवंबर के दिन और वी मेड श्योर कि वो खेतों में ना आए जंगल छोड़ के. यानी कि आपका कहना है कि 2 नवंबर के दिन आपकी पूरी टीम उस फील्ड में थी इसलिए वो शेरनी बाहर नहीं आई. वो जो लोकेशन पे थी उसके अतराफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे तो हमारे को ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसको वो एरिया में मूव ना होने दे एग्रीकल्चरल लैंड. तो वो आइडिया से हम लोग वो एरिया को पूरा सराउंड करें और वहाँ के जो लोग थे उसको प्रोटेक्ट करें. ऐसे बोला जाता है कि फिर किसी का फोन आ गया और आप चले गए, तब क्या हुआ? हम लोग जैसा फोन आया फिर हमारी टीम जो है सब हम लोग मिलके वापस गए वो रोड पे. किसका फोन आया आपको? वहाँ के जो लोकल लोग थे जो उसने देखे थे वो टाइग्रेस को, वो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड को फोन आया उनका और वो फिर हम लोग वो एरिया में वापस गए और जाके वो पेट्रोलिंग शुरू करे. और जैसा हम लोग वो रोड पे मूव कर रहे थे वो टाइग्रेस हमारी गाड़ी के सामने आई तो उसको पहला तो ये काम था उसको आइडेंटिफाई करना कि मैनीटर वही है या ये दूसरा टाइगर. तो हमारे साथ जो लोग थे वो आइडेंटिफाई करे उसको कि यही है मैनीटिंग टाइग्रेस. फिर उस पर डार्ट चलाया गया, ट्रैंक्विलाइजर डार्ट जो था वो चलाया गया और उसके बाद वो जैसे उसको जैसे आपने बोला कि डार्ट चलाया गया तो डार्ट किसने मारा उसको? फॉरेस्टर ने मारा, जो हमारे साथ था फॉरेस्टर उसने डार्ट किया और वो जैसा डार्ट हुई वो हमारी गाड़ी की तरफ पलटी और चार्ज करी और एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो हमारे पास आ गई थी. तो अब वो ऐसा पोजीशन था कि वो हमारे पे अटैक कर देती तो हमारे को उस सिचुएशन में फायर करना पड़ा. आपने कितने सेकंड में ये डिसीजन लिया कि डार्ट मारा है और अभी उसको फायर करना है? वो स्पॉन्टेनियस था, वो ये सेल्फ डिफेंस में किया गया और स्पॉन्टेनियसली हमारे को मारना पड़ा. एक क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जिसने फॉरेस्टर ने डार्ट मारा है तो आपकी टीम में कोई भी वेटरनरी डॉक्टर नहीं था तो आप वेटरनरी डॉक्टर को साथ लेके क्यों नहीं गए? वेटरनरी डॉक्टर जो है वो पूरा मेडिसिंस हर चीज़ भर के डार्ट पूरे तैयार करके वो हैंड ओवर करा था फॉरेस्ट की टीम को और वो हमेशा अवेलेबल रहते थे. जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती थी वो आ जाते थे. आपने जब फायरिंग किया तो अवनी मर गई लेकिन अब आपको क्या लगता है कि उसको ट्रैंक्विलाइज करना ज़रूरी था और बाद में पकड़ना ज़रूरी था? देखिए हमारे को तो हमेशा ट्रैंक्विलाइज ही करना था उसको. लास्ट ईयर भी जब टाइग्रेस मैनीटर हुई थी तो हम लोग उसको ट्रैंक्विलाइज करके ही पकड़े थे. मारने में कोई प्लेजर नहीं है. जो ये बात है कि आप ट्रिगर हैप्पी है, एक जानवर की जान लेके उसमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली. मजबूरन करना पड़ा, सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा. अगर उसको बचा लेते तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता था मगर आज ये ऑपरेशन फेलियर हो गया क्योंकि मारना पड़ा उसको. लेकिन आपने पहली बार किसी टाइगर को मारा है? जी हाँ, टाइगर को पहली बार ही. कोई टाइगर को क्यों मारेगा? टाइगर को कोई क्यों मारेगा? जब मजबूरन हालत हुए तो ही मारना पड़े. ऐसे बोला जाता है कि परमिट में आपका नाम नहीं था, आपके पापा शफात अली खान के नाम से ये ऑर्डर थी मारने की या ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ने की भी इस पूरे ऑपरेशन में, तो आप उस ऑपरेशन में क्यों थे? वो ऑर्डर जो है हम सबका था, डैडी के नाम के साथ हम लोग सब थे. वो ऑर्डर में हमारा भी नाम है और हम सब ऑथराइज थे और हम 40 डेज के करीब वहाँ पे ऑपरेशन में रहे और पूरा काम सब टीमों के साथ करे. ये बात सही नहीं है कि हम ऑथराइज नहीं थे.
और आपके पापा शफात अली खान उस दिन उस रात बेस कैंप पे नहीं थे, वो क्यों नहीं थे? क्योंकि वो मीटिंग के लिए गए हुए थे, उनको बुलाया गया था, मीटिंग थी तो उस लिए वो गए हुए थे वहाँ। जी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, अवनी को पकड़ना चाहिए था, उसको क्यों मार दिया, ऐसे बहुत देश भर में हंगामा मचा है, तो आपको अब क्या लगता है क्या होना चाहिए था अवनी के साथ? देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको पकड़ना चाहिए था, वो लोग गलत नहीं हैं। हर आदमी का यही मकसद था कि उसको पकड़ना, हम लोग भी जेन्युइनली ट्राई करें। इस वजह से वो नहीं पकड़े जा रही थी क्योंकि वो हिली टेरेन था और काफ़ी थिक बुशेस थे, अगर आपको ट्रैंक्विलाइज करना है तो उसमें काफ़ी लिमिटेशन है, 30 meters का डिस्टेंस है, उसके आगे उसको डार्ट नहीं लगता है, और झाड़ी इतनी थी कि अगर आप डार्ट मारते भी तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता, मगर वो हो नहीं सका। पांच बार इसको डार्ट किया गया मगर वो डार्ट उसको हुआ नहीं, लगा नहीं डार्ट उसको, तो ये बात सही नहीं है कि उसको मार दिया, उसको कोशिश नहीं। मेरा कहना है कि आपने जब डार्ट मारा, आपकी टीम में से किसी ने डार्ट मारा, तब भी वो उसका असर नहीं हुआ उस पर, गोली मारने की नौबत क्यों आ गई? डार्ट जब मारते हैं तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है दवा को असर करने के लिए, वो 10 से 15 मिनट तक आपको टाइगर पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसके पूरे सेंसेस चालू रहते, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता, किसी को भी अटैक कर सकता, तो वो सिचुएशन पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। जी, आप अगर नहीं मारते तो आप में से किसी पे वो अटैक कर देती? वही वजह से तो मारना पड़ा, हमारी टीम लोग जो थे वो जान का रिस्क हो गया था, अगर वो गाड़ी में कूद जाती और दो आदमी मर जाते तो फिर हमारे को पूछते थे सब कि क्या कर रहे थे वहाँ, अगर शूटर थे तो आपका क्या रोल था वहाँ। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई शूटर है, वो ये काम नहीं कर सकते थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 103 से 225 शेर करे उनकी मेहनत से, उनका टायरलेस एफर्ट है। इंडिया का महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन डबल हो गया, जहाँ हर जगह पे पॉपुलेशन कम है या डबल हो गया पॉपुलेशन, तो ये महाराष्ट्र की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्रेडिट है, ये उनकी मेहनत का असर है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास क्या कोई शूटर नहीं थे जो प्राइवेट शूटर को बुलाया गया? शूटर भी थे, वेटनरी डॉक्टर्स भी थे, ट्रैकर्स भी थे, हर आदमी जो जरूरत थी, जो नहीं था उनको बाहर से बुलाया भी गया, जो कोशिश जेन्युइनली सिंसियरली हो सकती थी वो पूरी की गई। जैसा हम आपको बताए 29 months ये ऑपरेशन चला, हर जो जिसका एक्सपर्टी था वाइल्ड लाइफ में, ट्रैकिंग में, शूटिंग में, वो हर आदमी को बुलाया गया, महाराष्ट्र से नहीं 6 और state फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आके यहाँ काम करके गए। जी, एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग बोल रहे हैं पूरे देश भर में कि अवनी को नहीं मारना चाहिए था, अवनी को बचाना चाहिए था और प्राइवेट शूटर को ये काम नहीं देना चाहिए था, आप उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग जो बोल रहे हैं कि अवनी को नहीं मारना था, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम उनके बात मानते हैं, हम उनके साथ हैं, मगर जो हालात आपकी सिटी में देख रहे हैं वो हालात जंगल में नहीं रहते हैं। जंगल में जो गांव वालों पे गुजर रही है, जो एटमॉस्फियर है, 29 months ह्यूमन किलिंग चली यहाँ पे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तो वो सिचुएशन जो आप नेट पे देख रहे हैं वो सिचुएशन ऑन ग्राउंड नहीं रहता, यहाँ एक अलग दहशत रहती है, एक अलग माहौल रहता है।